अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दो। कैसे होती है ट्रेन में शूटिंग? फिल्म गदर 2 में कहां कहां होने वाली है ट्रेन की शूटिंग? सो हेलो टू माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो। दिस इज रिया और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूं एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म गदर पार्ट 2 के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। तो आज की इस वीडियो में गदर फिल्म और गदर पार्ट 2 फिल्म से जुड़ी कुछ ट्रेन की शूटिंग के बारे में बता देंगे। और तो उससे जानने से पहले आपको ये पता लगाना बेहद जरूरी है कि क्या फिल्म में ट्रेन में शूट करना फ्री होता है? क्या फिल्म में हीरो का ऑटोग्राफ से ही काम चल जाता है? तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये भी बता दें कि बॉलीवुड की शूटिंग में ट्रेन की शूटिंग के सीन के लिए रेलवे की काफी अच्छी कमाई हो जाती है। अपने फिल्म भाग मिल्खा भाग, DDL, रंगे बसंती, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों में रेलवे के कई सीन्स तो देखे ही होंगे। और खास बात तो ये है कि इंडियन रेलवे ने इसे रेवाड़ी स्टीम लोको शेड का यूज किया गया है और इसी वजह से इसे हेरिटेज के तौर पर संभाल कर रखा गया है। अगर रेलवे को शूटिंग के लिए 4 डब्बे और 1 इंजन देना है तो रेलवे को उसका 1 दिन के लिए 5 लाख मिलता है। और वहीं कुछ ही दिन पहले इंडियन रेलवे ने भी फिल्म की शूटिंग के लिए यूज होने वाले रेलवे एरियाज और मालगाड़ी के लाइसेंस दर में भी बढ़ोतरी की है। वहीं अगर किसी भी पार्ट या किसी भी एरिया में रेलवे की शूटिंग की स्टार्ट की जा रही है तो उसी हिसाब से रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे दूसरी ट्रेन की टाइमिंग भी चेंज कर देते हैं। और इंडियन रेलवे ने तो ये भी नियम निकाला है कि अगर किसी भी फिल्म का शूटिंग अगर किसी A1 रेलवे स्टेशन या A1 रेलवे एरिया में किया जाने वाला शूट है तो उसी फिल्म से वो 1 लाख रुपए लेंगे 1 दिन के लिए। वहीं दूसरी ओर B1 या B2 कैटेगरी रेलवे स्टेशन या रेलवे एरिया पे शूट किया जाने वाली फिल्म हो तो उसी फिल्म से वो 50,000 फर्स्ट डे यानी कि प्रतिदिन 50,000 का वो फीस चार्ज करते हैं। और सपोज मान लिया कि एक रेलवे एरिया में सेम बिजी शेड्यूल है यानी कि सेम टाइमिंग है फिल्म की शूटिंग का भी और दूसरी रेलगाड़ी का भी, तो फिर फिल्म को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है 15%। और वहीं दूसरी ओर अगर फिल्म की शूटिंग को रेलगाड़ी का यूज करना है वो भी 200 किलोमीटर और 5 वेगन के तौर पर तो उसे 4,26,600 रुपीज अदा करने पड़ते हैं। और इंडियन रेलवे का तो एक और भी नियम है जो ये कहता है कि आप फिल्म की शूटिंग के लिए रेलगाड़ी को कितना भी यूज करो लेकिन सिर्फ 200 किलोमीटर तक ही आप उसे चला सकते हो। और वहीं दूसरी ओर अगर रेलगाड़ी को खींचा गया है और रोका गया है तो उसका एक टाइम का 900 रुपीज फीस चार्ज हुआ जाता है। वैसे तो गदर फिल्म में अमृतसर वाला जो शूट दिखाया गया था वो दिल्ली में रेल के म्यूजियम में किया गया था। और वहीं दूसरी ओर जो पाकिस्तान में दिखाया गया रेल का शूट था वो एकदम असली था। और इस ट्रेन वाले सीन को शूट करने के लिए फिल्म के लिए असली ट्रेन को यूज करना था और असली ट्रेन को दूर तक चलाना भी था और रुकाना भी था और एक डब्बे को यूज भी करना था। और उसी टेक को गदर एक्ट्रेस ने कितना टाइम लगाया था फिल्म का सीन शूट करने के लिए उसी हिसाब से फिल्म को किराया देना भी पड़ता है। उम्मीद है कि आपको तो अब ये पता चल ही गया होगा कि किसी भी फिल्म के ट्रेन यानी कि ट्रेन के सीन को शूट करने के लिए कोई भी फीस फ्री नहीं होती, हमेशा चार्ज करने पड़ते ही हैं। और अब इसी खर्चे को साथ में लेकर आते हुए फिल्म के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हमारे लेकर आ रहे हैं गदर पार्ट 2 को। और ऑफ कोर्स गदर पार्ट 2 में भी हमें रियल रेलवे एरियाज रियल ट्रेन की शूटिंग भी दिखाई देने को मिलने वाली है। और वहीं ये भी बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए हमें दिल्ली या दिल्ली बागा बॉर्डर का और दूसरी लोकेशन को दिखाया जाने वाला है। लेकिन दिल्ली में दिल्ली बागा बॉर्डर ही क्यों, ये जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। और हाँ दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहे, सेफ रहे, बने रहिए मेरे साथ।